एलियन एनचिलाडस, ये दुनिया किस तरफ जा रही है, या शायद मुझे कहना चाहिए क्या है जो इस दुनिया की तरफ आ रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और देखते हैं क्या होगा अगर हमें एनसेलेडस में एलियन जीवन मिल जाए। सबसे पहले तो उसे एनसेलेडस कहते हैं, ना कि एनचिलाडस, माफ कीजिएगा। एनसेलेडस शनि का छठा सबसे बड़ा चांद है, लेकिन इसे ठंडी जादुई जमीन कहना बेहतर होगा। ठंडी क्योंकि यह बर्फ से ढकी हुई है और इसकी सतह का औसत तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है। जादुई क्योंकि इसकी सतह के 40 किलोमीटर नीचे जीवन देने वाली चीजें हैं। क्या वहां एलियन है? हम कितने वक्त में पक्के तौर पर यह जान लेंगे? यह है वाईमैंगू गीजर। अब ये वजूद में नहीं है, लेकिन जब था तब हवा में 460 मीटर तक की ऊंचाई पर पानी उछाल सकता था, यानी पृथ्वी पर देखा गया सबसे बड़ा गीजर था। लेकिन हमारे वायुमंडल के पार वाईमैंगू सागर में बूंद जैसा है। अगर आप एक असल गीजर देखना चाहते हैं तो आपको शनि का एक दौरा करना चाहिए। सितंबर 2005 में नासा का $1 अरब का अंतरिक्ष यान कसीनी शनि की ओर बढ़ रहा था, जहां इसने एनसेलेडस के दक्षिणी ध्रुव पर उछलते हुए पानी के बड़े धमाके रिकॉर्ड किए। ये छोटा सा चांद पृथ्वी से करीब 25 गुना छोटा है, लेकिन इसके गीजर हमारे ग्रह पर रिकॉर्ड की गई ऐसी किसी भी चीज से 8000 गुना ज्यादा बड़े हैं। कसीनी ने जो विस्फोट रिकॉर्ड किए वो अंतरिक्ष में 240 किलोमीटर तक ऊपर जा रहे थे, यानी वॉशिंगटन डीसी से फिलाडेल्फिया तक की दूरी के बराबर। लेकिन जहां रहस्यमयी पानी का ये चमकदार उछाल एक देखने लायक नजारा था, वहीं वैज्ञानिकों को इसके पीछे जो छुपा था उसे लेकर ज्यादा उत्सुकता थी। बर्फ की 40 किलोमीटर की चादर के नीचे एनसेलेडस पर एक सागर है, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले उन सागरों से काफी ज्यादा मिलता जुलता है जहां शायद जीवन की शुरुआत हुई हो। कसीनी अंतरिक्ष यान की जुटाई गई जानकारी के मुताबिक एनसेलेडस में पाया जाने वाला पानी खारा है, और ये संभावित रूप से हाइड्रोथर्मल वेंट से गर्म होता है। अगर एनसेलेडस के सागर हमारे सागरों की तरह हैं, तो ये मान सकते हैं कि उपसतह की ये जालियां हाइड्रोजन की भारी मात्रा वाला गर्म पानी फेंकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के साथ मिलकर अमीनो एसिड बनाता है, जिनसे मिलकर जीवन देने वाला प्रोटीन बनता है। हमारा ग्रह करीब 4.5 अरब साल पुराना है। पृथ्वी पर जीवन के सबसे पहले निशान पत्थरों में मिलने वाले जीवाश्म से आते हैं, जो कि 3.7 अरब साल पुराना है। आज आकलन के मुताबिक एनसेलेडस 1 अरब साल पुराना है। अगर ये पृथ्वी जैसी टाइमलाइन यानी घटनाक्रम पर चलता है तो वहां जीवन के पनपने के लिए ये सही वक्त होगा। पर हमने अपने ग्रह के 90% से ज्यादा इतिहास में ये देखा है कि पृथ्वी पर जीवाणुओं से जीवन की शुरुआत हुई थी। मतलब संभावना है कि एनसेलेडस के एलियन जीवन में भी जीवाणु शामिल हों। बड़ा सवाल ये है कि ये एलियन दिखते कैसे होंगे? हम बात कर रहे हैं ठंडे अंधेरे पानी में बने जीवों की, जिनकी पहुंच में सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं है। ये वातावरण के साथ कैसे पेश आएंगे? क्या ये अंधेरे में चमकते होंगे, या क्या ये आंखों के बिना देख सकते होंगे? ये विकसित कैसे होते होंगे, आकार और अक्ल में? और क्या हम इन्हें कभी ढूंढ पाएंगे, या क्या वो हमें ढूंढेंगे? इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।